हेलो एवरीवन एज यू ऑल नो दिस इज निरी सो गाइज वो बैक विद एन वीडियो रिलेटेड टू सीरीज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट टॉपिक तो पहले वाले पार्ट्स प्लीज चेकआउट करेंगे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके और सिलेबस एज पर एन है जैसा कि आप अगर पूरी वीडियोज देखते आए हैं तो ये आपको पता है ठीक है टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसे जरूर चेकआउट करेंगे ताकि आप जो भी स्टडी करना चाहते हो स्टडी कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स एंड लेस वीडियो सप्लाई फंक्शन शेड्यूल एंड कर बहुत ही ईजी टॉपिक है बहुत ही ईजिली आप कवर अप कर लेंगे ज्यादा समझने को है नहीं क्योंकि अगर डिमांड करके आए तो ये भी क्लियर हो जाएगा आपको ठीक है रिलेट कर लेंगे आराम से तो हम डिस्कस करने वाले हैं सप्लाई के फंक्शन को इससे पहले भी मैंने बताया कि फंक्शन जहाँ भी आ जाए इसका मतलब क्या होता है रिलेशनशिप ठीक है कि रिलेशनशिप की बात करें कि सप्लाई का रिलेशनशिप तो इसको लिखोगे कैसे एग्जाम में हिट करना तुरंत फंक्शन से रिलेशन इसका मतलब सप्लाई सप्लाई का किसी से रिलेशनशिप जो होता है, वही होता है है वही फंक्शन किससे रिलेशन होगा उन्हीं से रिलेशन होगा जो उस पर इफेक्ट डाल रहे होंगे या उसको डिटरमाइन कर रहे होंगे अब आपका रिलेशन किससे है जो आपको डिटरमाइन करते लाइक आपकी फैमिली हो गई आपका कॉलेज हो गया आपका स्कूल हो गया जो बताते हैं कि आप कौन हैं आपसे रिलेटेड हैं जो आप जिनकी चीजों का असर आपके ऊपर आता है ठीक है सिमिलरली सप्लाई का रिलेशनशिप किससे होगा उन फैक्टर्स से होगा जो सप्लाई कितनी होगी कितनी नहीं होगी वो डिटरमाइन करने में हेल्प कर रहे हैं तो इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एंड द फैक्टर डिटरमाइनिंग इट सप्लाई की कितनी भाई सप्लाई होगी और कितनी सप्लाई है उन वो फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं कितनी सप्लाई होगी और तो कितनी सप्लाई है That is supply, उन के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है थीनर बॉटल ठीक है तो मान लो इसकी सप्लाई जो है वो किस पे डिपेंड करेगी वो किसके साथ रिलेशनशिप बना रही है वो बता रही है कि उसका प्राइस क्या है भाई अगर इसका प्राइस ज्यादा होगा तो आप सप्लाई बढ़ाओगे कम होगा मार्केट में तो आप घटाओगे तो इस पे असर आ रहा है ना इस चीज का असर आ रहा है सप्लाई पे नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ इनपुट इसको बनाने में जो भी इनपुट लग रहे हैं ठीक है थीके? उसकी कॉस्ट क्या उसकी प्राइस क्या मान लो आज की रेट में इसको बनाने की जो इनपुट्स है वो मुझे बड़े महंगे पड़ रहे हैं लेबर लेना महंगा पड़ रहा है ठीक है जो रेंट दे रही वो महंगा पड़ रहा है इसके लिए रॉ मटेरियल महंगा पड़ रहा है तो जब मुझे इतना महंगा ही पड़ रहा है तो फिर मैं इस टाइम सप्लाई कम करूंगी क्यों क्योंकि मुझे कोई प्रॉफिट नहीं उतना ज़्यादा होगा कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा आएगी कि मैं मार्जिन बहुत कम बनाऊंगी ठीक है तो ये चीज़ क्या कर रही है ये फैक्टर क्या कर रहा है सप्लाई कितनी है कितनी नहीं उस पर असर डालेगा टेक्नोलॉजी कैसी है भाई इनोवेटिव चल रही है नहीं चल रही है मशीन्स उतनी अप टू डेट नहीं है नहीं आपको प्रॉफिट आ रहा है उतना वेदर कंडीशन कैसी है आसपास का एनवायरमेंट कैसा है वो भी डिपेंड करता है वो भी आपकी सप्लाई पर असर डालेगा गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है टैक्स पॉलिसी ठीक है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा होंगे ज्यादा चीज़ें चल रही होंगी तो आप सोचोगे कि ठीक है भाई इतना रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर हम सप्लाई को कम करेंगे इतना टैक्स हमें नहीं देना तो हम उतना नहीं बनाएंगे जो भी है आप मैनेज करके चलोगे तो ये जो फैक्टर्स हैं जो बता रहे हैं कि सप्लाई ज्यादा होगी कम होगी जो उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं जो डिटरमाइन कर रहे हैं सप्लाई और सप्लाई के बीच का जो रिलेशनशिप है वो होता है सप्लाई फंक्शन ये इक्वेशन याद कर लो ये एग्जाम में एज इट इज लिख के आना ठीक है एज अ काफी अच्छे नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा क्योंकि पूरा एक पिक्चर दे दे रहा है कि क्या है सप्लाई फंक्शन नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वॉट इज सप्लाई शेड्यूल सप्लाई शेड्यूल क्या होता है डिमांड शेड्यूल पढ़ा था ना कि जो टेबल के फॉर्म में हम जब रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी हम की डिमांड है वो होता था डिमांड शेड्यूल सप्लाई का क्या है सेम टेबल फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी हम बेच रहे हैं दस रुपए में पचास बीस रुपए में साठ ठीक है पचास प्राइस हो गया सौ क्वांटिटी तो हमने देखा जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा हम सप्लाई की क्या करेंगे क्वांटिटी बढ़ा देंगे फॉर अपना प्रॉफिट के लिए तो सप्लाई शेड्यूल क्या होता है टैबले रिप्रेजेंटेशन होता है वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डेट आर सप्लाईड अ डिफरेंट प्राइस लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सप्लाई में हमेशा पीरियड ऑफ टाइम ही यूज करना वाई नॉट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ अ टाइम और एट अ टाइम वो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में जिसने पहला वाला पार्ट देखा होगा वो बहुत अच्छे से बता देगा ठीक है सो आई वॉन्ट टू चेक यू ऑल कि कितना आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखते हैं सो so उसको बताइए मेरे गधे कुत्ते भी ना नेक्स्ट आता है आपका कि सप्लाई शेड्यूल क्या है सप्लाई शेड्यूल जैसे कि हमने डिमांड शेड्यूल पढ़ा था डिमांड शेड्यूल भी क्या था कि जो टप टेबल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने प्राइस पे कितनी डिमांड है मान लो दस रुपए है दस रुपए का प्राइस है तो डिमांड पचास है प्राइस मान लो पांच रुपये हो गया तो डिमांड बढ़ गई डबल हो गई बीस हो गई ठीक है जो भी मैंने उससे पहले लिया था उसका डबल मान लो मैं भूल गई क्या दिया था ठीक है सप्लाई शेड्यूल क्या होता है सिमिलरली होता है टेबल फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन होता है जहां हम ये शो करते हैं कि एक सप्लायर ठीक है कितने प्राइस पे अलग अलग प्राइस पे कितनी कितनी क्वांटिटी को सप्लाई कर रहा है दस रुपए है तो बीस रुपए की सप्लाई बीस क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है ठीक है? बीस रुपए हो गया तो क्वांटिटी क्या करी बढ़ा दी भाई ज्यादा प्राइस मिल रहा तो ज्यादा बेचेंगे ना ठीक है वो डबल कर दी फिर तीस रुपए मिल रहे हैं तो और उसका डबल कर दिया तो इससे क्या होगा हमने देखा कि टेबल फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं कि, कि कितनी क्वांटिटी एक सप्लायर सप्लाई कर रहा है अलग अलग प्राइस पे कितनी कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो होता है सप्लाई शेड्यूल जब उसको प्रेजेंट करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम क्यों सप्लाई में यूज कर रहे हैं ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि सप्लाई के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्यों यूज करते हैं और एक और चीज थी जिसमें मैंने कहा था एट अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम या एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम कहेंगे तो वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में आई वांट टू चेक यू ऑल ठीक है कितना सिंसियर है आप लोग नेक्स्ट इज टाइप ऑफ शेड्यूल सप्लाई शेड्यूल सप्लाई शेड्यूल कितने तरीके के होते हैं अब आप आपने सप्लाई पढ़ी थी दो तरीके की होती है एक इंडिविजुअल सप्लाई जिसमें हमने पढ़ा था कि एक जो, आ, है, वो कितनी क्वांटिटी अलग अलग प्राइस पे ऑफर कर रहा है वो होती है इंडिविजुअल सप्लाई ठीक है एक होती है मार्केट सप्लाई मार्केट सप्लाई में हम एक सप्लायर को नहीं देखते हम पूरी मार्केट में जितने सप्लायर है सबके बारे में बात करते हैं कि एक मान लो एक प्राइस चल रहा है बीस रुपए चल रहा है तो बाकी सारे सप्लायर जो है वो कितनी कितनी क्वांटिटी ऑफर कर रहे हैं उस पीरियड ऑफ टाइम में उस इस प्राइस पे वो होती है मार्केट सप्लाई मीन्स जब हम सबकी बात करेंगे तो मार्केट सप्लाई जब हम एक ही सेलर की बात कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल सप्लाई तो शेड्यूल भी क्या है सेम चीज बोलोगे की कि एक टैबलर रिप्रेजेंटेशन है ऑफ वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डेट आर सप्लाइड बाय आ सप्लायर ही लिख सकते हो ठीक है क्योंकि भाई एक ही सप्लायर की बात होगी तो सप्लाई शेड्यूल वाले डेफिनेशन जो सेम एज इट इज है वो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में लिखाना लेकिन मार्केट वाले में बाय आ सप्लायर नहीं होगा बाय ऑल द सप्लायर लिखाना ठीक है तो एक डेफिनेशन थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए बाकी आप लिखाएंगे और उसमें याद करने की इतना कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि आपको खुद पता है कि टेबल फॉर्म में ही हम रिप्रेजेंट करेंगे और बहुत सारी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे अलग अलग प्राइस पे जो सप्लायर बेच रहा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम तो आप कोई याद हो गई होगी आता है इंडिविजुअल रिमेनिंग कॉन्स्टेंट मीन बाकी सारे फैक्टर आपने पता था इससे पहले की बहुत सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं जैसे प्राइस ऑफ इनपुट हो गया था गवर्नमेंट का था ठीक है तो उनको हम कॉन्स्टेंट रखना बात करने की अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग प्राइस पे ऑफर कर रहे हैं उसका जब टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो होता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल जिससे मान लो बीस रुपए का प्राइस था तो आप कितनी क्वांटिटी दे रहे थे दस प्राइस दुगना हो गया चालीस हो गया आप कितनी कर रहे हैं बीस प्राइस और बढ़ गया साठ तो आप तीस क्यों क्योंकि सप्लायर तो हमेशा अपना प्रॉफिट देखेगा ना जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वो अपनी क्वांटिटी जो सप्लाई है वो बढ़ाता जाएगा डायरेक्ट रिलेशनशिप है ठीक है मार्केट सप्लाई क्या है ट्रेवलर रिप्रेजेंटेशन ये भी होगा जो मैंने कहा था बाय ऑल द सप्लायर इन द मार्केट ठीक है वो तो अगला डेफिनेशन आपको लग रहा है, थोड़ा बहुत हेयर फेयर से वर्ड से बदल रही है आप मेन डेफिनेशन पे फोकस करो अपने आप से उसको बना लो ठीक है वहां पे ऑल सप्लाई लिखना वहां पे ए सप्लाई आ सप्लाई लिख सकते हो ठीक है तो जैसे कि देखो प्राइस है ₹200 है, तो इस पे जो सप्लायर ए है वो एक यूनिट दे रहा है जो बी है वो दो यूनिट सप्लाई कर रहा है जो सी है वो तीन करने को तैयार है तो टोटल हम देखेंगे कि दो सौ रुपए के प्राइस पे टोटल सारे सप्लायर्स कितना सप्लाई कर रहे हैं तो हम कहेंगे छह यूनिट कर रहे हैं सब मिला के ठीक है हम मार्केट की बात करें कि मार्केट में इस प्राइस पे कितनी सप्लाई आ रही है हम एक पे नहीं फोकस कर रहे कि एक कितना दे रहा है नहीं हमें उससे मतलब नहीं है पूरे मार्केट में बताओ कितनी आ रही है छह आ रही है कौन कितना दे रहा है कितना नहीं दे रहा हम उस पर फोकस नहीं कर रहे मार्केट वाले पे ठीक है इंडिविजुअल में हम एक एक पे फोकस कर रहे हैं कि आप कितनी दे रहे हैं इस प्राइस पे अब जैसे चार सौ वाला है तो चार सौ में जो सप्लायर ए कह रहे हैं हम दो ही दे पाएंगे जो बी है वो कह रहे हैं चार देंगे जो सी है वो कह रहे हैं हम छह देंगे तो हम कहेंगे मार्केट में कितनी पूरी सप्लाई आ रही है वो बारह की आ रही है तो आप देख पाओगे कि जब इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एक एक करके सारे सप्लायर को कंबाइन करके बताते हैं कि मार्केट की सप्लाई क्या है तो वो होता है आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि कर्व क्या है जैसे शेड्यूल होता है ठीक है टेबल बना दी अब क्या होता है इकोनॉमिक्स में सिर्फ टेबल ही नहीं बना उसको हमें ग्राफ में भी प्लॉट करना है बताना है कि कैसे कर्व बन रहा है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है कैसे जा रहा है ठीक है तो जब हम उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो होता है आपका सप्लाई कर्व कर्व तो सप्लाई इज अ ग्राफ दैट शोज हाउ अ चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड और सर्विसेज एफेक्ट द क्वांटिटी आर सप्लायर सप्लाईज कि कैसे एक प्राइस के चेंज होने से ठीक है या हम ये कहेंगे कि कैसे जब गुड और सर्विसेज का प्राइस चेंज होता है तो वो कैसे अफेक्ट करता है सप्लायर कितनी क्वांटिटी सप्लाई करेगा वो हम जब रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के थ्रू वो होता है आपका सप्लाई कर्व तो प्राइस को हम वर्टिकल एक्सेस दैट इज वाई एक्सेस पर रिप्रेजेंट करते हैं और हॉरिजेंटल एक्सेस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं आपकी क्वांटिटी सप्लाई तो इंडिविजुअल मार्केट और इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व ठीक है तो अगर आप इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की बात करें तो ये शो करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन विच वेरियस क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी दट इंडिविजुअल प्रोड्यूसर ऑफ फॉर्म वुड ऑफर फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको अपना काम शॉर्ट करना है न, ना ना कि बस मुझे एक ही डेफिनेशन याद करी मुझे दस नहीं याद करनी काम करो जो मेन वाली डेफिनेशन बताई थी ना जो सप्लाई शेड्यूल वाली मेन डेफिनेशन बताई थी उसमें ही बस लिख देना जहां टेबलर प्रेजेंटेशन है वहाँ लिख देना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक है तो वो इंडिविजुअल सप्लाई करके बन जाएगी और जब मार्केट मैंने बताया था उसमें ही जब आप ए ए सप्लायर की जगह जब डाल दोगे ऑल द सप्लायर्स ठीक है ना मार्केट तो वहां पे आप उसमें भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देना तो वो बन जाएगी मार्केट सप्लाई कर्व ठीक है ज्यादा चीजों को कंफ्यूज करके याद करने का बर्डन ना बढ़ाओ सिंपल एक याद करो उसमें ही मैनिपुलेट कर दो उसमें ही चीजों को हेरफेर करो आ, दिमाग से कि कहाँ पे क्या होना चाहिए और आप उसको कर ले जाओगे ठीक है तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या है जैसे देखो दस ठीक है दस बीस uh, के प्राइस पे दस यूनिट सप्लाई कर रहा है चालीस का प्राइस हुआ तो बीस कर रहा है साठ का प्राइस हुआ तो तीस कर रहा है तो इस तरीके से जब आप उसको कर्व में बना दे रहे हो तो हो गया इंडिविजुअल सप्लाई कर नेक्स्ट इज मार्केट सप्लाई कर क्या ये बताता है कितना आउटपुट ठीक है एक एंटरप्राइज या मैन्युफैक्चर दे रहा है एट डिफरेंट मार्केट प्राइस पे uh, जिस uh, मतलब सारे सप्लायर कितना सप्लाई कर रहे हैं एट अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम सॉरी एट डिफरेंट प्राइस ठीक है ओवर गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम

कर रहा है ठीक है देन फाइनली जो हमने सबका कंबाइंड करके जैसे हमने एक टेबल में आपने देखा होगा हमने कंबाइंड करके बनाया था ये वाला इसको भी अलग से प्लॉट करेंगे तो एक दो तीन इनको करके देन फाइनली एक जो मेन वाली है उसको भी हमें क्या कर देना दिखा देना है प्लॉट करके जैसे एक अलग 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 किया फाइनल जो मिला के जो बन रहा है वो तो हो गया मार्केट सप्लाई कर्व ठीक है सप्लाई ऑफ मार्केट नेक्स्ट आता है व्हाट इज सप्लाई कर्व करो अगर हम बात करें कि सप्लाई कर की स्लोप क्या है तो स्लोप ऑफ सप्लाई कर रिफर्स टू द रेट ऑफ चेंज बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई तो स्लोप होती है वो बताती है कि जो प्राइस है ठीक है और जो क्वांटिटी सप्लाई है उसके क्या चेंज है मतलब कितना चेंज है टू द रेट ऑफ चेंज बिटवीन प्राइस एंड क्वान्टिटी मतलब किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी आप सप्लाई कर रहे हैं देन प्राइस बढ़ा तो कितनी सप्लाई कर रहे हैं देन प्राइस बढ़ा तो कितनी सप्लाई करें तो जो चेंज आ रहा है ना इन दोनों के बीच में कि प्राइस में चेंज इतना आया तो सप्लाई में चेंज इतना आया प्राइस में चेंज इतना आया तो सप्लाई में चेंज इतना है तो जो ये रेट शो कर रहा होता है रेट ऑफ चेंज शो कर रहा होता है उसके थ्रू हम क्या बनाते हैं सप्लाई कर बनाते हैं एंड दैट इज द स्लोप जो ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कितना चेंज आया है प्राइस के बदलने पे सप्लाई पे वो होती है आपकी स्लोप ऑफ सप्लाई कर अगर स्लोप की बात करें तो ये देखिए ऊपर जा रही स्लोप होती है जो indicate ये करता है कि जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी बढ़ेगी अदर थिंग अदर फैक्टर्स और अदर थिंग्स इक्वल और कॉन्स्टेंट यू कैन से ठीक है स्लोप और सप्लाई कर मेजर करता है फ्लैटनेस और स्टीपनेस ऑफ सप्लाई कर सप्लाई कर फ्लैट है कितनी स्टीप है ये मेजर करता है आपका क्या स्लोप uh, जो आप ये सप्लाई करके स्लोप है जो रेट बता रही है कितना चेंज आ रहा है प्राइस के बढ़ने से सप्लाई के बढ़ने में ठीक है प्राइस बढ़ा तो कितने सप्लाई बढ़ी वो रेट ऑफ चेंज क्या आया वो आपको रिप्रेजेंट करती है स्लोप ठीक है तो जितना ज़्यादा रेट होगा उस हिसाब से फ्लैट बन रही है या स्टीपर बन रही है वो आपका शो करता है स्लोप ऑफ सप्लाई का तो इट इज़ बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी तो कितना चेंज आ रहा है आपके प्राइस में उसके वजह से कितना चेंज आ रहा है आपकी क्वांटिटी में जो आप सप्लाई कर रहे हैं वो जो एब्सोल्यूट चेंज है उसके वो डिटरमाइन करता है आपका स्लोप ऑफ कर्व एंड वो बताएगा कितना स्टीपर जा रहा है या कितना वो फ्लैटर हो रहा है ठीक है गाइस तो ये डेफिनेशन याद रखने के स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व या सप्लाई कर्व की स्लोप क्या होती है ये रेट ऑफ चेंज शो करती है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में ठीक है आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए स्टिल कोई भी डाउट है इसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे वीडियो को लाइक like करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे थैंक यू